हाई स्कूल यूपी बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में हमने समांतर माध्य का अध्ययन किया, दूसरे वीडियो में बहुलक का, अब तीसरा वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे जो माध्यिका है, माध्यक जिसको माध्यक और माध्यिका बोलते हैं। तो चलिए हम माध्यिका के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी से माध्यिका या माध्यक ज्ञात कीजिए। पहले हम एक सारणी बनाते हैं इस तरह, पहले हल लिख लें, उसके बाद ऐसे सारणी बनाते हैं, वर्ग अंतराल ऐसे लिखेंगे, वर्ग अंतराल। अब ये रहा आपकी सारणी बनके तैयार, वर्ग अंतराल, और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता यानी फ्रक्वेंसी। यहाँ लिख करके हम सेट कर लेते हैं, ऐसे सेट कर लेंगे। और उसके बाद एक और सारणी यहाँ बनाते हैं जिसको हम CF नाम देते हैं, CF नाम यानी संचयी बारंबारता। इसको संचयी बारंबारता यानी CF कहते हैं, संचयी बारंबारता। 0 से 10 6 है, 10 से 20 आपका 9 है, 20 से 30 संख्या है 12, 30 से 40 संख्या है 8, 40 से 50 आपकी संख्या है 15। इस तरह हम लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 6, 6 में 9 जोड़े तो 9 और 6 हो गया 15, 15 में ऐसे 12 जोड़ देंगे तो 2 और 5 7, 1 और 1 2, फिर यहाँ इसमें ऐसे जोड़ देंगे, 8 और 7 15, 2 और 1 3 35 हो गया। फिर यहाँ हम ऐसे जोड़ेंगे, इकाई के अंक को इकाई में जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 3 1 4, और एक हासिल हो गया 5, यानी 50। तो आपका n बराबर कितना आया, 50, और 50/2 ऐसे लिख देते हैं तो आ जाता है 25। 25, अब इसमें हम चेक करेंगे 25 किसके अंतर्गत है, तो 25 जो है 27 के अंतर्गत आ रहा है, 25 आपका 27 के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि ये आपका 12 जो है 12F है, और ये आपका लोअर लिमिट है। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी F, हम मानेंगे इसको 12 को, ठीक इसके इधर, ठीक इसके ऊपर ये आपका CF हो गया, तो CF आप लिख लेंगे, संचयी बारंबारता आपकी 15 है, ऐसे लिख लेते हैं। लोअर लिमिट 20 है। हाइट चेक करते हैं, 10 का अंतर है तो यहाँ हम हाइट ऐसे लिख लेंगे, और माध्यक का सूत्र लिखते हैं, माध्यक का सूत्र ऐसे, माध्यक बराबर एल प्लस n/n/2 माइनस CF पूरे के बटा F, ब्रेकट बंद, इनटू हाइट। ये आपका सूत्र है। एल आपका क्या है,
एल चेक करिए, लोअर लिमिट लोअर लिमिट लोअर लिमिट आपका 20 है, तो यहाँ हम 20 लिख लेते हैं, 20 लिख लेंगे, एन बाई टू, यही एन बाई टू है, यानी 25, 50 के आधा 25, यानी 25 हम यहाँ लिख लेंगे आराम से, 25 लिख लेंगे, यहाँ बटा लगा देंगे ऐसे। सी एफ आपका क्या है, सी एफ ये है, ठीक इसके फ्रिक्वेंसी के ठीक ऊपर ये आपका सी एफ होता है, सच्चाई बारंबारता, और सच्चाई बारंबारता यहाँ ऐसे घटा देंगे, फ्रिक्वेंसी देखेंगे यानी 12, तो यहाँ हम लिख 12 लिख देते हैं। अब ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे गुड़े हाइट, हाइट आपकी 10 का अंतर है, 10 20 20 30 30 40 40 50, यानी 10 का अंतर है, यहाँ हम 10 लिख लेते हैं, ये हो गया 20, 25 में 15 गया कितने बचे, 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गए 1, यानी 10 सीधा सीधा। अब ये गुड़े यहाँ कर लेंगे 10, यहाँ ऐसे लिख लेंगे बटे 12। अब यहाँ हम कर लेते हैं आसानी से भाग, भाग कर लेते हैं, 5 दुना 10, 6 दुना 12, फिर इसको काटते हैं, 5 दुना 10, 3 दुना 6, 5 पचे 25, 25/3। अब इसका भाग करें, 25 में 3 से यहाँ भाग कर देंगे, 3 8 24, 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 3 9, 1 3 3 9, 1 इस तरह ये संख्या अनंत तक आती रहेगी। ये 20 प्लस ये आपका 8.33, ये जो आया हुआ है इसको लिख लेंगे, और 20 और 8 88.33, ये आपका उत्तर है, आंसर आपका ये आ गया। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।